और सऊदी अरब ने अपने संबंधों को लेकर मजबूती प्रदान करने के लिए तेल, गैस और रक्षा एवं नागर विमानन समेत अलग अलग प्रमुख क्षेत्रों में कई समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब गए, इसी बीच उन्होंने किस तरीके से भाषण दिया और किस तरीके से सऊदी अरब के साथ मजबूती को लेकर अपनी बात कही, आइए देखते हैं इस वीडियो को किस तरीके से मोदी दिखे अपने दमदार अंदाज में। लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं His Majesty the King and Custodian of two holy mosques और मेरे भाई His Royal Highness the Crown Prince का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस फोरम में भाग लेने का निमंत्रण दिया। सऊदी अरेबिया और यहां स्थित पवित्र मौस दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। यह भूमि वर्ल्ड इकोनॉमी का भी ऊर्जा स्रोत रही है। आज रियाद के इस ऊर्जावान शहर में आपके बीच में मुझे भी पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही है। फ्रेंड्स, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के विषय से ये स्पष्ट करते हैं, इस फोरम का उद्देश्य सिर्फ यहां के अर्थतंत्र की ही चर्चा करना नहीं है, बल्कि विश्व में उभरते ट्रेंड्स को समझना और उसमें विश्व कल्याण के रास्ते ढूंढना भी है। इसी कारण यह डायनेमिक प्लेटफॉर्म बिजनेस वर्ल्ड कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है। सिर्फ 3 साल के कम समय में ही इस फोरम ने लंबा सफर तय किया है। मेरे मित्र और भाई क्राउन प्रिंस इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। उनके इस फोरम को दावोस ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। पिछली शताब्दी में सऊदी अरब के लोगों की मेहनत और कुदरत की नेमत ने डेजर्ट के रेत को सोना बना दिया। अगर चाहता तो सऊदी अरब का नेतृत्व पर आराम से बैठ सकता था, मगर आपने आने वाली कई पीढ़ियों के बारे में सोचा, भविष्य की चिंता की, पूरी मानवता का ख्याल किया। महज रॉयल हायरनेस क्राउन प्रिंस को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने इस फोरम का नाम ही फ्यूचर नहीं रखा, बल्कि इसकी पूरी संकल्पना फॉरवर्ड लुकिंग है, भविष्य के प्रति उन्मुख है। ऐसे में उनका भाई और पड़ोसी होने के नाते इस उम्दा इनिशिएटिव में दुनिया की सबसे तेज विकासमान बड़ी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए स्वाभाविक ही है। फ्रेंड्स, मैं आपके बीच भारत के लोगों की शुभेच्छाएं लेकर के आया हूं। हमारा सऊदी अरब से नाता हजारों वर्ष का रहा है। ऐसी दोस्ती रही है जैसे आप कहते हैं सदाखतकुम, कि एक दूसरे के वहां हमें अपनापन लगता है। हमारे ऐतिहासिक संबंधों और संपर्कों ने हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत बुनियाद भी रखी है, और आज हमने क्राउन प्रिंस के साथ बातचीत में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की स्थापना करके अपने संबंधों को नई ऊंचाई प्रदान की है। हिज मैजेस्टी द किंग और हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस के मार्गदर्शन में
हम संबंधों में अप्रत्याशित प्रगति और अपनापन ला पाए हैं। मैं उनके प्रयासों के लिए, भारत के प्रति उनके अपनत्व के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में आज मुझे व्हाट इज नेक्स्ट फॉर ग्लोबल बिजनेसेस और उसमें भारत उभरते अवसरों और संभावनाओं, हमारी अपेक्षाओं और लक्ष्यों पर अपनी बात रखने का अवसर मिला है। भारत ने अगले 5 वर्ष साल में अपनी इकोनॉमी को 2 गुनी करके $5 ट्रिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। ऐसे समय में तो यह विषय और भी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो जाता है। साथियों, आज जब भारत में हम विकास को गति देना चाहते हैं तो हमें उभरते हुए ट्रेंड्स को अच्छी तरह समझना होगा और इसलिए आज मैं आपसे ग्लोबल बिजनेसेस को प्रभावित करने वाले 5 बड़े ट्रेंड्स के बारे में बात करना चाहूंगा। पहला ट्रेंड है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का प्रभाव। दूसरा, ग्लोबल ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस। तीसरा, ह्यूमन रिसोर्स और फ्यूचर ऑफ वर्क में तेजी से हो रहा बदलाव। चौथा, कंपेशन फॉर एनवायरमेंट। और पांचवा ट्रेंड है बिजनेस फ्रेंडली गवर्नेंस। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के बढ़ते हुए प्रभाव के हम चश्मदीद गवाह हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी, ये रिसर्च से आगे बढ़कर आज रोजमर्रा के जीवन का भाग बनती जा रही है। टेक्नोलॉजी के इस बदलाव का उन समाज को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है जिनमें नई टेक्नोलॉजीज को अपनाने और उन पर फ्यूचर इनोवेशन का कल्चर विकसित हुआ है। भारत में हमने इस कल्चर को मजबूत करने के लिए अनेक स्तरों पर प्रयास किया है, चाहे वह युवाओं के लिए स्टार्टअप चैलेंजेज हो या हैकेथॉन्स हो या फिर स्कूल चिल्ड्रन के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स, जहां वो इनोवेशन को खुद अनुभव करते हैं। आज भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर टेक एंटरप्राइज एक व्यापक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। हमारे इन प्रयासों के नतीजे भी आना शुरू हुए हैं। आज भारत दुनिया का 3रा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। भारत के Tier 2 और Tier 3 शहरों में भी स्टार्टअप्स उभर करके आए हैं। भारत में $1 बिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन वाले यूनिकॉर्न्स की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे कई स्टार्टअप्स वैश्विक स्तर पर निवेश करने लगे हैं। इंडियन स्टार्टअप्स आर एजिंग एवरीथिंग फ्रॉम फूड डिलीवरी टू ट्रांसपोर्ट टू हॉस्पिटैलिटी टू मेडिकल ट्रीटमेंट टू टूरिज्म, और इसलिए विश्व के सभी इन्वेस्टर्स खासकर वेंचर फंड से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम का लाभ उठाएं। मुझे पूरा भरोसा है कि भारत में इनोवेशन में किया गया निवेश सबसे ज्यादा रिटर्न देगा और ये रिटर्न्स सिर्फ भौतिक नहीं होंगे बल्कि युवाओं को एम्पावर करेंगे। फ्रेंड्स, वैश्विक बुद्धि और बिजनेसेस के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लायर है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरफ बिजनेस को निवेश के व्यापक अवसर देता है तो दूसरी ओर बिजनेस की वृद्धि के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है, अनिवार्य है। साथियों, दुनिया में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अवसर
सबसे ज्यादा विकासशील देशों में है। एशिया में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रति वर्ष 700 बिलियन डॉलर्स के निवेश की जरूरत है। भारत में हमने अगले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स के निवेश का लक्ष्य रखा है। और फिर आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में साइलोस में नहीं सोचते, बल्कि हमारा प्रयास इंटीग्रेटेड अप्रोच का है। वन नेशन वन पावर ग्रिड, वन नेशन वन गैस ग्रिड, वन नेशन वन वाटर ग्रिड, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड, वन नेशन वन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ऐसे अनेक प्रयासों से हम भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट कर रहे हैं। हमने हर भारतीय को घर देने का और हर घर तक बिजली और नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की अपनी स्पीड और स्केल को भी हमने अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया है और इसलिए भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ डबल डिजिट में रहेगी और इसमें कैपेसिटी सैचुरेशन की कोई संभावना नहीं है। इसके कारण निवेशकों को लंबे समय तक रिटर्न भी सुनिश्चित रहेगा। साथियों, तीसरा ट्रेंड यानी ह्यूमन रिसोर्स और फ्यूचर ऑफ वर्क में आ रहा बदलाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज इंटरनेशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट के निर्णय क्वालिटी मैन पावर की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। साथ ही स्किल मैन पावर किसी भी कंपनी के वैल्यूएशन का मानदंड बन जाता है। तो जैसा कि आपने देखा, जिस तरीके से आप मोदी ने ऐलान करे हैं, आप देखना होगा इससे भारत को कितना फायदा होने वाला है। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें SBN 9 न्यूज पर। हर्ष की रिपोर्ट।